हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजिन राठी के व्लॉग में। कल का व्लॉग का जो पार्ट अधूरा रह गया था तो वो आज कंप्लीट करेंगे। इसको आज इस व्लॉग को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि कल हिम्मत नहीं थी इतना काम करने की। भाई खुद घर का काम करा था तो आज ये व्लॉग पोस्ट कर देंगे। मैं पहुँच गई हूँ जिम में, तो सबसे पहले जाकर मैं जिम में अपना सब सामान रखूँगी और बाकी सबको किसी को भी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो कोई भी व्लॉग में या बिना परमिशन के मैं किसी को नहीं लेती हूँ ऐसे। और वैसे भी मेरे को अपने आप से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिलहाल आप देख लो आज का मेरा आउटफिट यो है। और बहुत जल्दी मैं अगर इतनी मेहनत करती रही, इसी तरीके से मेरी तबीयत ठीक रही, तो कम से कम एक दो महीने में मैं आराम से जो है अपना काफ़ी वेट लूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी कैमरे को सेट कर देती हूँ मैं और फटाफट से थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ स्टार्टिंग में, थोड़ा सा जैसे कि नसों वसों के लिए कि भाई कोई नस में दिक्कत ना आ जाए। तो थोड़ा बहुत हाथ पैरों को हिलाना पड़ता है अपने भाषा में, तो यही बात का ही जाया करे। तो भाई अपने ये जो है पेट कम करने की एक्सरसाइज करी मैंने सारी पहले इस पर मैट पर, और बाकी इस तरह ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकूँ फिर क्योंकि ज़्यादा सब लेडीज़ इकट्ठी होगी तो हर किसी की मतलब वीडियो में आज का वर्कआउट दिखा नहीं पाई ज्यादातर। पसीना तो पूरा आ रहा है देख लो आप। टाइम कम था तो बच्चा ने ले लूँ, अभी फटाफट से लेट हो रही हूँ। आज खाना मन नहीं बनाना जाकर, तो घर जाके बात करूंगी आप सभी से। पसीना पूरा आ रहा है, एसी चलाया पर हड़का चलाया है। तो जी बालक आ गए हैं ट्यूशन पे, तो इवन लेकर चल रहे घर क्योंकि गुड़िया तो बैठ गई फ्रंट सीट पे, रक्षित डेली पीछे ही बैठ के जाता है, अपने पापा के साथ आता है तो आगे बैठता है, तो इनकी लड़ाई यही रहती है। पहुंच गए हैं और बारिश देख लो, पानी, गाड़ी की चाबी यहाँ उधर दी। दूसरा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा लाइट नहीं है, यो इन्वर्टर पर जल रही है हमारी। तो आवाज़ सुन लो पहले आप, मैंने फिर ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये देखो जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ बहुत खतरनाक होती है। और इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए तो मुझे इसके बारे में पूरा पता है। जब भी ऐसी आवाज़ आती है और मेंढक ऐसे बोलते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है। कल तो छुट्टी थी बच्चों की और शायद आज भी मैसेज आ जाए। तो छत पे दिखाती हूँ आपको मौसम कितना ख़राब हो रहा है। अब वर्कआउट करके थोड़ी हिम्मत आ गई शरीर में, तो अच्छे से मतलब जीने वीने चढ़ लूँ हूँ और हिम्मत सी आई है। ये देखो नदी में पानी आएगा बहुत तेज, बारिश आएगी, इसीलिए फिर से छुट्टी के आसार लग रहे हैं। तगड़ा बादल हो रहा है सारे का, पूरे में देख लो बादल ही बादल। ये देखो किस से भी टाइम बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो इधर का हरिद्वार एरिया रेड अलर्ट पे है, हैवी रेन की वजह से। तो आपने मेंढक की आवाज सुनी और वो पता नहीं क्या मेंढक की बोलते क्या होता है उसकी आवाज़ सुनो, उससे पता लग जाता बारिश बहुत तेज होगी। पूरा दिन बारिश हुई है, छत गिल्ली पड़ी है देख लो। तो किसी ने मेरे को एक वीडियो में बोला था कि आप अपनी छत की भी सफाई करवा लो। तो भैया जब बरसात का मौसम शुरू होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही काई जम जाती है बरसात के मौसम में, और जैसे ही मौसम साफ होगा तो ये सही हो जाएगा नॉर्मल बढ़िया साफ सुथरा। और हर बार होता तो हर साल थोड़ी पेंट करवाएंगे, हमने तो अभी करवाया था। ये देखो इधर जो पेंट हो रहा है, ये जितना गीला होता है ना उतना ही मतलब जब बरसात में तो सारा ख़राब हो जाता है, काई सी जम जाती है, अजीब सी। धूप निकलेगी तो सारा यो साफ भी हो जाएगा, बरसात के सीज़न में ऐसे ही रहता है, काला काला काई सी जमी रहती है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काम कर लूँ जाकर देखूँ भी नीचे। तो अभी मौसम की घनघोर घटा उठ रही है पूरी, बारिश की सभी टाइम बहुत तेज आ सके है और लाइट जा रही थी तो हम सब मिलकर काम करने लग रहे थे यहाँ पे। आते मैंने घर देखा भाई ना नैना आई ना सविता दीदी आई, तो कोई सा भी नहीं आया आज बंदा, तो सारा काम मन नहीं करना पड़ा था। जब मैंने पहले पता होता तो मैं सारा काम खुद करके जाती पहले ही, तो कोई बात नहीं बाकी सब मिलकर कर लेंगे। मैं भी थक रही थी और बच्चे तो आपने पता छुट्टी थी तो पूरा दिन इन्हें मस्ती भी करी, बीच में टीवी भी देखा, तो ट्यूशन पता आ गया सबकी हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले मैंने थोड़ा सा पसीना सुखाया, फिर मैंने अक्षित ही कहा भाई तू या किचन साफ कर, मैं और गुड़िया उससे देखते हैं खाना देखते हैं। तो अक्षित मेरा बहुत मतलब कहना मानता है और जो भी काम कहती है सारा काम कर देता है। मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है, बहुत ही अच्छा अपने पापा जैसा नेचर है, और गुड़िया का मेरे जैसा नेचर है, थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है।
मजे ले रहे हो, तुम भी कुछ कर लो। हाँ साफ देखा हूँ, किरकिरे की बात नहीं है, आज तुम्हारे बेड साफ करो। देखता ये बेड साफ हुए ऐसे ये हुए, आधी चादर कहीं जा रही है, तौलिया यहीं पड़ा, ये बेड होएगी क्लीनिंग। तो भैया आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी बेटी पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया इतने सारे बर्तन देख कर। तो अक्षित लगा दिया था मैंने परली किचन में साफ करने के लिए, और मैंने गुड़िया को बोला था गुड़िया बर्तन धो दे, इसने पहले मना कर दिया, बोली मैं बर्तन ही नहीं दूंगी। तो इसके पापा ने ये बात सुन ली थी, सामने बैठ के बोले कैसे नहीं धोएगी, आज मैं यहीं पर खड़ा हूँ और यहीं पर बैठूंगा, देख बर्तन ही धोएगी तू आज, क्योंकि ये हमेशा जिद करती है और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि ये काम मैं नहीं करूँगी। कभी भी डस्टबिन को हाथ नहीं लगाती, कभी भी किसी भी मतलब कोई भी जैसे फ्लोर पर बाढ़ फैल जाते हैं, कंगे साफ करना, ये काम ये इसको बहुत मतलब घिन आती है। तो ये चीजें कौन करेगा? सबसे ज्यादा जरूरत है कि भाई बच्चे का एटीट्यूड कम होना चाहिए। काम तो भले ही चाहे मैं भी कर दूं, कोई भी कर दे, इसके पापा बोले मैं धो दूंगा बर्तन, पर ये एटीट्यूड है ना कि मैं नहीं करूंगी, इसलिए जिद में इससे बर्तन धुलवाएगा। पर इसने आधे बर्तन धोए, आधे छोड़ के गंदगी करके सिंक में भाग गई थी, सिंक में पानी भर गया था, छोड़ के बोली अब मेरे से नहीं होगा, मेरे को उल्टी आने वाली हो रही है। तो चलो बच्चे के साथ जिद भी नहीं करनी चाहिए। मैंने चावल भिगो दिया 1.5 गिलास, और मैंने रायता तैयार कर दिया, खीरे टमाटर प्याज हरा धनिया मिर्च गेर का मिक्स करके आपने देखा ही होगा किस तरह बनाया मैंने। थोड़ा दही में जो है दूध डाल दिया था, क्योंकि हम ज़्यादा गाढ़ी दही नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर कर लिया मैंने पुलाव की तैयारी, ये मैंने गर्म पानी में जो है मंगोड़ी भिगो दी थी, क्योंकि फिर बड़ी यात्रियाँ गलती को ना है सही गल गई हैं ये, तो अब नहीं चलो भैया पुलाव बनाओगे। यहाँ पर मैंने पुलाव की तैयारी कर ली है, प्याज टमाटर काट लिए हैं, आलू काटे हैं, और जी मैंने मटर ले ली है, और सोया ये सोयाबीन के आपने पता है ये जब बड़ी हुए हैं तो मैंने कुकर में डाल लिया है तेल। हस्बैंड बोले ना मैं तेरी हेल्प करवा दूँ। गुड़िया यहाँ पे पूरी कणिश कणिश के लाग रही है बर्तन धोने, क्योंकि इसने जो सफाई सफुई करनी थी बस आधे में करके बाज गई है, बोली और नहीं होती मम्मी मेरे पे। चलो भैया पुलाव की तैयारी कर लेते, पहले पुलाव छोंक ले मैं। तो भाई व्लॉग की लेंथ देखते हुए और स्पीड देखते हुए मैंने अभी अपनी आवाज़ की जो है स्पीड बढ़ानी पड़े है, और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, मैंने तेल डाल लिया है जितना आपने लेना है, मतलब भैया मंदा जैसे, वैसे तो मैं बहुत कम तेल यूज़ करा करूँ। मैंने प्याज डाल दिया, हल्का जीरा डाला था, जीरा बिल्कुल काला नहीं होने देना है, हल्का सा भूनते ही मैंने प्याज गिर दिए, क्योंकि ज़्यादा काला जीरा बढ़िया नहीं लगता है, तो बेरा नहीं लगना चाहिए ज़्यादातर के भाई हम कुछ भी बनाएंगे जीरा गेर रखा है, कई बार बहुत जो है लोग जला दे जीरा वो ज़्यादा बढ़िया ना लगता, हमने हम तो ईसाई रखा करें। तो मैंने प्याज भून लिए हैं, और जो है रायते में नमक डालू थी, हस्बैंड बोले जिसको चाहिएगा उतना नमक डालेगा तो नमक मत डाल ले। तो मैंने टमाटर गेर दिया, आलू गेर दिए हैं, और ये बीस में डाल दूँगी मैं मंगोड़ी सारी, क्योंकि इसको भून लूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। इसमें मैं जैसे नमक हल्दी तो मैं डाल नहीं रही पुलाव में, नमकीन चावल में डाल दूँ, नमक डाल के लाल मिर्च डाल के जो है मैं इसको बढ़िया करके भून लूँगी 10-5 मिनट। उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी, क्योंकि देखो भाई यो मसाला जो है भुनना है जब भाई बढ़िया लग गया। बाकी हम घने कोई भी मसाले नहीं खाया करते, हम गर्म मसाला तक भी नहीं खाते, हमको तो सिंपल सादा खाना खाया करें। तो आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी कद्दे भी मैंने इलायची वगैरह कुछ नहीं डाली होंगी, पनीर वगैरह मैं तो एक आधी बार डाल भी ली, वरना मैं कद्दे भी नहीं डाला करती कोई चीज़। तो मैंने जितने चावल बेए थे मैंने ये कम तक कम आधा घंटा चावल बेए थे और मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। पानी जो है मैं चावड़ा में अंदाजे तो पता है कितना रखा करूँ, आधी उंगली का जो परवा हुआ इसने क्या करा, आधा इंच चावल तो आधा इंच पानी जो है ऊपर होना चाहिए बस चावल डीप होने के बाद। बाकी मैंने इसमें 3 सीटी मरवा दी थी, क्यों हमने जल्दी थी भाई खाने खाने की लेट हो रहे थे, इतनी देर में कुकर में सीटी आई, इतने मैंने अपना जो है आटा कर लिया है, ये बैठ के इतने इन्जॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं अक्षित और ये दोनों मिलकर हस्बैंड जी। तो ये कह रहे हैं आज मम्मी काम करना पड़ गया, पूरा सब की रेल बन गई। तो कुकर में आ गई मेरी सीटी फटाफट, तो मैंने 3 सीटी मरवा कर बंद कर दिया है कुकर। वैसे तो मरवा लो चाहे 2 भी सीटी, पर मैंने थोड़ा जल्दी खोलना था, गुड़िया का बचा हुआ काम मैंने करना पड़ा, गुड़िया वहाँ से छोड़ के भाग गई थी, सिंक पानी की भर गई थी या गंदगी, तो ये मैंने सब निकाली, ये डोली डाली दो, ये हमारा छुटमन पर दूध जाया करें, बाल्टी दो का दरी, और पूरी किचन मैं है ना अगणी पे मण हूँ, जब किसी काम में बढ़ जाया करूँ ना तो नहीं मैं बढ़ जाया करूँ। मैंने किचन में फिर गणा टाइम लगा दिया, कम से कम 10-5 मिनट लगा दिए, मैं खाली सारी सफाई करके जाऊँगी। फिर मैंने सारी पानी की बोतल बातल धोई है मांझी, और अक्षित की एक बात बहुत अच्छी है, मैंने जब जिस टाइम पर बर्तन की बात चल रही थी कि बर्तन धोने पड़ेंगे गुड़िया, तो ये बोला मम्मी दीदी किचन साफ कर देंगे, मैं धो दूंगा बर्तन, मैं ना ना तू नहीं धोएगा, ये बोली मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो इस वजह से जिद लगी कि बर्तन गुड़िया ही धोएगी। अक्षित को जो भी काम बोल देंगे ना बोल देगा ठीक है मम्मी मैं कर दूंगा, बहुत शरीफ बालक है, इस वजह से योग मेरा घना लाडला है। तो ये मैंने रक्षित ने मिलकर सारी जो है पानी की बोतल भर के धर दी हैं, और ये मैं फटाफट नहाने जाऊंगी, क्योंकि खाना जब भी खाया जाऊंगा, इतने कपड़े ना चेंज हो लेंगे जिम के हैं, कपड़े कति काटन लग रहे थे, पर फिर मैंने सोचा मान ली अपने आप काम करना है तो थोड़ी देर में नहाऊंगी, नहीं तो मैं आते ही ना आया करूँ जिम। तो जैसे ही किचन का काम निपटा तो उधर पता लगा कि गुड़िया रोटी सेकन लग रही है डेविल की, तो आज उसने पापा का डर खाने लग रहा था ना कसुत्ता, नहीं तो क्लास इसकी गुंडी वाली लगनी थी, तो मैंने इसकी हेल्प कर दी थोड़ी सी, मारो ले रोटी बेल दूँ फिर मैं नहाने जाऊँ या सेक सेक देगी या रसोई साफ कर देगी। मैं नहा ली हूँ और
अभी नाना बहुत जरूरी था, पसीने में स्मेल हो रही थी, बाल बूढ़ा मेरा काम करा, किचन निपटाया, सारा काम निपट गया मेरा। अब बारी है कुकर खोलने की, पुलाव खाएंगे, पता नहीं कैसे बने होंगे, रायता मैंने फ्रिज में धर दिया, दूध गर्म हो गया, तो अब फटाफट से खाना लगा दूँ, लेट हो गए थोड़ा सा, और पता नहीं था ना, तो मैं दिन में काम निपटा लेती अगर यूँ ना पता होता कि बिना ना भी नहीं आएगी और दीदी भी नहीं आएगी, तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गई। तो सिर धो लिया, पसीने में हो रहे थे पूरे बाल, अभी बाहर रूम में बैठ के खाना खावांगे। तो जी बाग ये खुल जा सिम सिम की तैयारी, यानी मेरा कुकर खुल गया है, जितनी देर तक इसकी मेहनत करने लग रहे थे वो टाइम आ गया है अपना रिजल्ट देखने का कि किसे बने हमारे चावल। तो मैं दिखा दूँ आप सभी ने, देखो चावलों की शक्ल बढ़िया बढ़िया लग गया है, और अगर आप होते तो आप मतलब बिना ही मसाले की इसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती, चावल के 11-21 चावल हैं और बहुत बढ़िया चावल बने। हस्बैंड बोले कि अगर जो दीदी ना हो वो खाना बनाने वाली, अगर रोज़ तू बनाए तो खाना हम तो और घने मोटे हो जाओ। मैंने कहा क्यों, बोले कि बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का जो है बढ़िया बढ़िया खाना जो है 3-4 दिन तक खाने लग रहे, पर बहुत दिन बाद खाया ना, तो अब तेरे खाने की आदत होगी, तू न्यू करियर वीडियो वीडियो छोड़ के और खाना बनाने लग जा अपना। हम नहीं खाते भी सविता के हाथ का खाना, वहाँ क्यों, बोले कि नाच गणा है स्वाद आ गया खाने में। तो ये सब बातें हुई थी, ये मैंने रायते में जो है ऊपर तो चाट मसाला डाल दिया है, और ये मैं लेकर जाऊँगी इसने बाहर कमरे में, सब वहीं बेड पर बैठ कर खाऊंगे खाना। थोड़ा सा जाना जरूरी था क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई और बहुत बढ़िया लागा है, न्यू खाती आना कति शाही सा न्यू आवा है जो होटल में आ रहे हूँ, और बढ़िया भी लागा है, जब सब चीज़ अवेलेबल है तो क्यों ना इस तरह की फीलिंग लेवें कि हाँ हम बढ़िया खाना खाने लाग रहे हैं और बढ़िया अपना होटल की हाली फीलिंग लेने लाग रहे हैं। तो ये मैंने खाना टेस्ट करके देखा है, कति बहुत स्वाद बन रहे थे चावल, ये बोले कि तू रोज इसे चावल या कोई भी सब्जी रोटी बना लेगी तो हमने हमारा तो मज़ा आ जाएगा, हम तो बाहर का खाना भूल जाओगे। रायता तो बहुत स्वाद लग गया था यो, तो अक्षित बोला मम्मी ये रायता मेरे लिए डेली बना दिया करो। टमाटर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया खीरा डाल के, और ये पुलाव अपने कैसे लग रहे, हल्दी नहीं डाली मैंने, ये खा रही हूँ, ये बोले सिंपल मैं खाऊंगी, मैं बोली मैं इसमें खाऊंगी, मैं इनको बोल रही थी मैं ऐसे ले आऊँ क्या चावल ले आई गुड़िया डाल के। तो ये हो रहा भाई अपना खाना, इधर भी डाल दो इसमें से ही ले ले, चावल में डाल ले जितने चाहिए, बहुत टेस्टी बन रहे हैं भाई। तो जी टाइम देखते हुए इस व्लॉग के जो है दी एंड करने का जो है टाइम आ गया है, यहाँ पे मूवी चल रही है, साथ में खाए जा रहे पुलाव, और अक्षित जो है पिटने के काम करता है, खाना छोड़ के पहले अपनी बॉडी दिखा रहा है, और यहाँ पे बहुत शैतानी कर रहा है, फिर इसका मैं एक चाटा लगाऊंगी खींच का, माँ बदतमीजी कम कर रोटी खा ले पहले। तो जी फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।